माननीय सभापति महोदय, जो बात दिल में होती है जवान पे वही आती है। इनके दिल में किसान नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान था, इसलिए जुबान पे किसान बार बार आता है। पर मैं एक बात और कह के अपनी बात फिर किसान पर ही केंद्रित करूंगा। मुझे किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई, खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का, अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था, दो लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं, खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीट है, ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर, मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं। ये नाटक करते किसान के नाम पे, इसके कहां खड़ा होना है क्या सभापति महोदय, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी, कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या, और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से ज्यादा है तो उन्हें कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे, जहां चर्चा करने हो कर लें। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं, और तो मैं कह रहा था किसानों के बारे में भाजपा ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। माननीय सभापति महोदय, आप खुद किसान हैं, हम समझते हैं, टोडरमल जी के जमाने से किसानों के सारे अभिलेख व्यक्ति संधारित करता था, पटवारी, रेवेन्यू का हमला, अंग्रेज आए उनने वो प्रथा जारी रखी, कांग्रेस में वो प्रथा जारी रही। मैं सबको बेईमान नहीं कहता, लेकिन अगर सब पटवारी खराब नहीं है, लेकिन कोई के मन में आ जाए रिकॉर्ड में हेरा फेरी करनी है, तो कई बार हमने देखा धन्ना की नाम जमीन पन्ना के नाम चली गई, रामलाल बेचारा खेती कर रहा है, बरसों बाद पता चला ये जमीन तो श्यामलाल की हो गई, एक ने अनेकों घोटाले होते थे, जिंदगी भर कोर्ट में मामले चलते थे। अब ये चीजें कांग्रेस को समझ में नहीं आ सकती। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।